हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑल एग्रो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे डायमंड एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सेमिनिस कंपनी का डायमंड एक्सप्रेस, यह एक पत्ता गोभी की वैरायटी है दोस्तों। अगर आप इस साल पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं या फिर पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो सेमिनिस कंपनी का डायमंड एक्सप्रेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस वैरायटी की। पत्ता गोभी को कौन कौन सी सीजन में खेती की जा सकती है उसके बारे में। इस वैरायटी की पत्ता गोभी को खरीफ सीजन और रबी सीजन में खेती की जा सकती है दोस्तों, यानी जून महीने से मार्च महीने के अंदर अंदर इस वैरायटी की पत्ता गोभी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, इस वैरायटी की पत्ता गोभी की खेती हमारे भारतवर्ष में कौन कौन सी स्टेट में हो सकती है उसके बारे में। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, पुडुचेरी और नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे स्टेट हैं वो सारे सभी स्टेट में इस वैरायटी की पत्ता गोभी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, इस वैरायटी की पत्ता गोभी को नर्सरी में कब डालना चाहिए और पौधारोपण कब करना चाहिए उसके बारे में। जैसे कि दोस्तों, इस वैरायटी की पत्ता गोभी खरीफ सीजन और रबी सीजन दोनों सीजन में खेती की जा सकती है। ठीक इसी तरह इसकी नर्सरी जून महीने से जनवरी महीने के पहले 15 तारीख तक किसी भी मंथ में नर्सरी डाल सकते हैं दोस्तों, और इसकी पौधारोपण जून महीने से जनवरी महीने के 30 तारीख तक किसी भी महीने में नर्सरी तैयार करने के अनुसार इसकी पौधारोपण कर सकते हैं दोस्तों। मैं पर्सनली दोस्तों इस वैरायटी के पत्ता गोभी की खेती अगस्त महीने से अक्टूबर महीने के अंदर अंदर खेती करता हूं दोस्तों, इसकी पैदावार अच्छी आती है। बात करते हैं दोस्तों इसकी फसल चक्र के बारे में। इस वैरायटी की पत्ता गोभी की पौधा रोपण के बाद लगभग 45 से 50 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो सकती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी की पत्ता गोभी की पैदावार के बारे में। इस वैरायटी की पत्ता गोभी का कलर दिखने में लाइट ग्रीन है दोस्तों, और इसकी एक पत्ता गोभी की औसतन वजन 600 ग्राम से 1 किलो तक का हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों इस वैरायटी पत्ता गोभी की 10 ग्राम बीज हमने 170 रुपीज़ में ख़रीदा था। हो सकता है कि दोस्तों आपके एरिया में प्राइस थोड़ा ज़्यादा या फिर कम कीमत पर भी आपको मिल सकता है।